हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो आज है नाग पंचमी और नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे और हमारे परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को, हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए। और आज ना हमारे यहाँ पे नाग बनाए गए हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कहाँ पर हमारे यहाँ पर नाग बना के लगाए जाते हैं। और आज के खाने में मैंने क्या बनाया है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो यहाँ पे बन रही है अरबी की सब्जी और यहाँ बन चुकी हैं सिमरिया और अभी इसमें मेवे डालने बाकी है। और यहाँ पे लगा के रख दिया है मैंने पूड़ियों के लिए आटा। तो बच्चों का था आज स्कूल और बच्चों की नहीं थी छुट्टी, तो बच्चों के लिए मैंने बनाया लंच। तो लंच में ले गए हैं चावल फ्राई और बच्चे गए हैं स्कूल, तो उसके बाद मैंने खाने की तैयारी की है, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सारा काम किया है। तब मैं जाके पूजा पाठ करके उसके बाद मैं लगी हूँ खाना में। अब गई है मम्मी पूजा करने के लिए, तो मम्मी ही भोग वगैरह लगाएंगी और कोई पूजा वगैरह करेंगी, नाग वगैरह पूजेंगी। हालांकि मैं भी कर देती हूँ, अभी मम्मी है तो मम्मी कर रही हैं, हालाँकि हम देख रहे हैं कैसे मम्मी करती हैं, वैसे ही हम सीखते जाएंगे। तो अब बना लेती हूँ पूड़ियाँ और भी चीज़ बनानी है तो वो भी बना ले रही हूँ। खाने में जो भी मम्मी ने बनाया बताया था वो मैंने सारा खाना बना लिया है। तो दिखाते हैं हमारे यहाँ पे नान कहाँ रखे जाते हैं। मेरे यहाँ पे ना घी के नान नहीं बनाते, मम्मी बोलती है किसी किसी के यहाँ पे घी के नान बनाए जाते हैं और वो गुड़ और उसी से घी और गुड़ से पूछते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे नान देखिए किस तरीके के बनाए हैं मम्मी ने बनाए हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पे ना दरवाजे के बाहर यहाँ पे ना लगाए और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और कुछ ना मेन गेट पर लगाए जाते हैं तो ये लगे। तो आप लोगों ने देखा हमारे यहाँ पे नाग ना आर्ट के पेज पर बनाए जाते हैं और इस तरीके से दीवार पर लगा देते हैं। और इधर हमारा खाना भी बन गया है और मैंने कान्हा जी को भोग वगैरह भी लगा दिया है और नाग को भी, नाग वगैरह को भी भोग लगा दिया है और अपने पूर्वजों को भी। तो गाइस, और यहाँ पे ना मैं अब कर ले रही हूँ साफ़ सफ़ाई। तो खाना पीना बना के मैं बिल्कुल फुर्सत हो गई हूँ और यहाँ पे ना अब साफ़ सफ़ाई कर दे रही हूँ अपनी किचन की। तो उसके बाद आप लोगों से फिर मिलूँगी। तो इनका लगा दिया है मैंने टिफ़िन और ये ना सुबह खाना खा के नहीं गए थे तो इस वजह से इनका अब टिफिन जा रहा है मार्केट। और बाकी के सारे काम मैं कर ले रही हूँ। तो किचन के सारे काम मैंने कर लिए हैं और बर्तन वगैरह भी साफ करके रख दिए हैं। तो अभी ना खाना किसी ने खाया नहीं है तो इस वजह से अभी बस खाना खाने के लिए रह गया है सभी लोगों का। अभी बना के रख दिया है और इनका टिफिन भी मैंने पैक करके रख, मतलब भिजवा दिया है। तो अब रह गए हैं हमारे ऊपर के काम और अपने रूम की साफ़ सफाई, यानी कि झाड़ू वगैरह और कपड़े वगैरह हैं बच्चों के, जो बच्चे सुबह नहा के गए थे तो कपड़े वगैरह भी धुलने हैं। तो चलते हैं अब ऊपर की तरफ और ऊपर का भी दिखाएंगे आप लोगों को क्या हम ऊपर काम करने वाले हैं और क्या क्या काम करेंगे वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। और आज ना बहुत तेज़ धूप भी है और गर्मी भी बहुत तेज़ है तो चलते हैं ऊपर छत की तरफ। तो मैं आ गई हूँ अपने रूम में और यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी है और बिस्तर भी सही कर दिया है, बेड वगैरह भी साफ़ कर दिया है। और अब ना कपड़े रह गए धुलने के लिए तो कपड़े भी धो के डाल दे रही हूँ। और आज ना इतनी तेज़ धूप है और आज ना बहुत तेज़ वाली धूप है। और कल मैंने बनाई थी शाम को मक्के की रोटियां तो यहाँ पर भी मुझे ये साफ़ सफाई करनी है तो अभी कर देंगे क्योंकि अभी यहाँ पे छाई है। और यहाँ देखिए कितनी तेज़ धूप है, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है जाने का। और देखिए हमारे गुड़ैल में ना आज तो 3-4 फूल आए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं और इन पर पानी भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने पीछे छत पर ना अभी छाई थी तो अभी देखिए कितनी जल्दी धूप आ गई है और भी काम करते करते तो मैं ना इसकी राख भर ले रही हूँ। और यहाँ पे ना मैं जिससे इसको ले सेंगे तो इसमें मिट्टी वगैरह डाल दी है, ये अच्छे से घुल जाएगी और इसे ना
पहले इसकी झाड़ू वगैरह लगा दे रही है। तो यहाँ पे मैंने राख वगैरह भर ली है और इसमें ना मिट्टी थी वो अच्छे से फूल गई, तो अब मैं ना इसको अच्छे से इस तरीके से इसे लिसाई पुताई कर दे रही हूँ इसकी। और बारिश में ना ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, चूल्हा बिल्कुल भींग गया था, बिल्कुल फूट गया था। फिर इसमें मैंने ना गोबर और मिट्टी से इसकी लिसाई करी, खूब अच्छे से इसमें मिट्टी वगैरह लगाई है। पहले क्या था कि मम्मी वगैरह और बाजरे की रोटियां बनाते हैं चूल्हा पे, और गेहूं की रोटियां तो हमारे यहाँ गैस पर ही होती हैं। और जब कभी गैस वगैरह ख़त्म हो जाती है ना, तो उस वजह तब एक आध बार बना लेती हूँ। और देखिए कितना अच्छा लगने लगेगा अभी। सच बताएं मक्के बाजरे की रोटियां ना चूल्हे की ही अच्छी लगती हैं, और खाने में भी टेस्टी लगती हैं और बनाने में भी अच्छा लगता है चूल्हे पे। और मैं ना चूल्हा पे भी बना लेती हूँ और गैस पर भी बना लेती हूँ। तो चूल्हे को मैंने देखिए कितने अच्छे से लिसाई पुताई कर दी है इसकी, और कितना अच्छा लगने लगा है। तो अब इस पर ना मैं ढक दे रही हूँ, क्योंकि बारिश वगैरह आएगी तो ये भींग सकता है। मैंने चूल्हा को ढक दिया है इस तरीके से, बारिश भी नहीं है, बारिश आएगी तो ये भींगेगा नहीं और इसकी सुरक्षा भी रहेगी। तो चूल्हा वगैरह मैंने लिसाई पुताई कर दी है, और अब डाल दे रही हूँ मैं पेड़ों पर पानी, जितने भी हमारे पौधे सब पर पानी डाल दे रही हूँ, क्योंकि धूप ज़्यादा है तो कुछ पौधे ऐसे एकदम कुमले आ जाते हैं पानी में ना, तो मैं डाल दे रही हूँ। तो हम ऊपर के जितने भी काम थे वो सारे मैंने कर लिए, कपड़े वगैरह धुल के डाल दिए हैं, और इधर चूल्हा वगैरह भी मैंने लिसाई पुताई कर दी है, पौधों पर भी पानी डाल दिया है। तो इस वाले ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। तो आज हमारे यहाँ पे ना भुजरियाँ बोई जाएंगी, यानी कि गेहूं और जौ वगैरह आज ही शाम को बोए जाएंगे। तो किस किस के यहाँ पे बोए जाते हैं गेहूं और जौ, तो हमारे यहाँ पे ना शाम को बोए जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे ना अभी तैयारी कर रहे हैं वो मटकी वगैरह फोड़ के, और उसी में मतलब बोएंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा है, और अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।